भाई सौरभ आज इतने स्मोक जला देगा, इतने स्मोक जला देगा, किसी ने सोची ना होगी। जैकेट गई। ये मजदूर कहाँ था गातिया? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलता है। कहाँ से शुरू करूं यार, बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ ब्लॉग। तुमने कैमरा ऑन कर दिया, बताया भी नहीं। तो गाइस, सीन क्या है ना, बहुत देर से, मतलब तकरीबन एक घंटे से सारा सामान यहाँ फैला के और प्लानिंग चल रही है हम दोनों की कि वीडियो में क्या करें, कैसे करें, कैसे कुछ नया दिखाएं आप लोगों को। और उस चक्कर में बनानी तो थी भाई बहुत सारी वीडियोस आज, लेकिन बन नहीं पा रही है, दिमाग एकदम खराब हो गया है। यहाँ देखो यार, पहले तुम की क्या क्या है अपने पास। हजार वाली लड़ी भी है यहाँ पर, मुर्गा छाप के अपने पास रॉकेट्स भी हैं, ये बीड़ी बम भी है, बड़े वाला गिफ्ट पैक अनार भी है। यहाँ दिख ही गया होगा तुम्हें, देखो ये लड़ियां हैं, बहुत कुछ है। तो ये मिसाइल्स भी हैं, बुलेट बम की अगर मैं बात करूं, ये देखो यार, ये कितने सारे तो बुलेट बम इसमें रखे हुए हैं। चटर पटर देखो, बहुत भर भर के रखे हुए हैं। और बुलेट बम देख लो, कितने ही बुलेट बम पड़े हुए हैं यार यहाँ पर, और हाइड्रो पड़े हुए हैं। लेकिन दिमाग जो है बिल्कुल इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा है कि तुम्हें रिपीट रिपीट एक ही चीज एक ही चीज। यहाँ देख लो, अपने पास स्काई शॉट पड़े हैं, अपने पास चक्कर हैं, इधर ये दूसरे वाले चक्कर हैं, और यहाँ इसके अंदर तुम झांको जरा, यहाँ पर भाई अलग अलग तरीके की फुलझड़ियां पड़ी हुई हैं यार, बहुत शानदार वाली। ये बड़ी वाली क्रैकलिंग फुलझड़ी है, नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छे से जलती है। ये कैसे जलती है वो तो अभी जलाएंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा ही। लेकिन मेन कन्फ्यूजन मैंने तुम्हें बताया कि क्या है। तो आने वाली वीडियोस में कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ शानदार, कुछ मस्ती भरा, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आए। लेकिन आज का दिन भी खाली बिल्कुल नहीं जाएगा। आज भी तुम्हें मैं एक लेटेस्ट चीज दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे हाथ में आया है भाई। ये सोनी कंपनी का फॉग है, ये कलर स्मोक होने वाला है, रेनबो नाम से आता है। और इसकी पैकिंग देखो यार, मतलब कितना मोटा ताजा है ये। ये देखेंगे जला के कि किस तरीके से इसका काम करता है, क्या करता है। प्लस अपने पास यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कंपनी के स्मोक पड़े हैं, और इधर ये एक और कलर स्मोक है, फॉग है, शॉर्टेज बहुत चल रही है इसकी, क्रैकलिंग कोकोनट। तो इसे भी देखते हैं जला के कि कैसा काम करता है। आप लोग यार मेरी वीडियोज अगर देखते हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग देखते तो हैं वीडियोस लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। तो गाइस, अगर आप देखते ही हो तो पैसे थोड़े ही लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कितना मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज आप बता सकते हो, सब कुछ फ्री है यार। इसमें से निकालते हैं मेन मुद्दे को, और इस मुद्दे को आग लगा के देखते हैं कि इस मेन मुद्दे में सीन क्या है, क्या टाइमिंग है। यहाँ देख लो, इस तरीके की एक सुरली दी हुई है, काफी मोटा ताजा सा ये बनाया हुआ है। बट एक्चुअल में देखो किया क्या है सीन, यहाँ पर एक छोटा सा स्मोक इसमें डाला हुआ है, और बाकी ना रोल करके गत्ता लगाया हुआ है। लेकिन ये सोनी कंपनी का यार, तो सोनी कंपनी की चीज़ें तो अच्छी होनी चाहिए। लाइटर दे दो जी, और यहाँ लाइटर आ चुका है अपने हाथ में। अब इसको लगाते हैं आग, और थोड़ा केयरफुल रहूँगा, और देखते हैं भाई क्या सीन होता है, फट ना जाए बस ये। कुछ निकलेगा? ओह क्या बात है। तो गाइस यहाँ चेक कर सकते हैं आप लोग, ओए होए, यहां देखो यार क्या पावरफुल स्मोक है, बाप रे वाओ। ये धुआं धुआं सा रहने दो, हाय हाय सुर निकल आए। तो स्मोक काफी तगड़ा है इसका, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा। देखो लाइट के पास दिखाता हूं थोड़ा सा तुम्हें, देख रहे हो एक नंबर चीज लग रही है ना, ये बहुत ज्यादा स्मोक है यार, बाप रे भाई इतना लॉन्ग, क्या बात है। ये वो नहीं लग रहा किसी फिल्म में, गुमनाम है कोई स्मोक की जब बात चल रही है, तो एक और स्मोक अपने पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, जलाकर देखते हैं। एक्चुअल में मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि इसे मैंने एक दो दिन रख दिया है, तो थोड़ा सा गीलापन इसमें लग रहा है। उम्मीद है भाई जिंदा होगा, देखने में काफी छोटा है, और वो भी छोटा ही था, बट एक्चुअल में उसको काफी लपेटा हुआ था। जब भी इसका यूज करो, स्पेशली इन फॉग्स का, मैं बता दूं कि इनसे नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसका कोई भरोसा भी नहीं है। हमेशा ये पोजीशन होनी चाहिए, क्या लगता है जलेगा ये? कुछ तो हो रहा है, ये देखो यार कलर तो निकला है एक्चुअल में इसमें से ये क्या मजाक चल रहा है, वो थोड़ा गाढ़ा हुआ, वाओ ओए होए भाई साहब। थोड़ी देर बाद इसमें से फुस की आवाज आई और थोड़ा सा स्मोक निकला, लंबा तो नहीं कहूंगा, खैर छोटा सा है, छुटकू सा, लेकिन अच्छा था। एक जो एकदम से निकला ना, मैं थोड़ा सा डर भी गया था कि क्या सीन है। लेकिन इसको ना एक और जला के देखते हैं, आप लोगों को कितना मजा आया, आया कि नहीं आया ये चीज मुझे कमेंट करके बताओ यार।
और देखो मैं हमेशा दूर रख रहा हूँ इसको, और ये देखो, अरे वाह कलर चेक करो यार इसका, वाह अरे वाह प्रेशर। और यहाँ देखो ये बुम्बरो बुम्बरो श्याम रंग बुम्बरो थारा भाई सौरभ आज इतने स्मोक जला देगा, इतने स्मोक जला देगा किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस देखो यार इसमें ना अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसमें बचे हैं सिर्फ तीन और, तो हम लोग सोच रहे हैं कि साथ में जलाए अपनी कैमरा वुमन को वेलकम करो यार, कमेंट करके बोलो वेलकम तब आएगा मजा। और यहाँ देखो उए भाई साहब इतने बड़े डंडे के अंदर इतनी पिद्दू सी चीज छुपा के रखी थी, नंगा पुंगा कर दिया, मतलब हमने क्या किया है ऑलरेडी हो गया इनमें से, हाँ ये निकले हैं तो इसको जमीन पे रखो और यहीं फूंकते हैं पास में और देखते हैं दोनों अच्छे जलते हैं कि नहीं जलते हैं। पास में रख के हम इनको जलाने की कोशिश करेंगे, आग तो लग गई एक में, दूसरे में भी लगा दो। ओ वाह प्रेशर आ गया भाई इसका, तो सुबह सुबह जो प्रेशर आता है लोगों का इसका अभी आया है रात में, और फुस्सी भी मार रहा है, कलर कितना डार्क है देखो, वाओ स्मोक एक नंबर है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका वाली बातचीत हो गई यहाँ पर। तो अब कैमरा वुमन ने पकड़ लिया है सोनी वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जलाया था, और इसमें शायद कुछ डिफरेंट कलर निकले क्योंकि दो पीस थे, ये ब्लू आएगा। वाओ ऊपर से पकड़ो थोड़ा बीच में से, हाँ शाबाश निकलेगा इसमें से कोई कलर अलग, ब्लू ब्लू ब्लू, अरे भाई निकल जा, अरे ओए यहाँ देखो फ्लेम कितनी जबरदस्त और कितना तेज निकल रहा है, ओए होए यार एक ही बार में एकदम फुस करके इसने मारा और खत्म हो गया। मेरा टाइम पे जल्दी खत्म हो गया गाइस, यहाँ चेक किया आप लोगों ने, यहाँ चेक किया आप लोगों ने, ये भी जल गया। रीजन यही है, पहले बताया था कि ये कुछ भी हो सकता है ये इनके साथ, और ये अचानक से एक बार में प्रेशर से ना सारा का सारा निकल गया, और अंदर देखो सब में यहाँ कितना कलर हो गया, कलरफुल हो गया बिल्कुल ही। ये चीजें दिखती बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है लेकिन डेंजरस हो सकती है, मतलब आग लगाने वाली किसी भी चीज को केयरफुली यूज करो, और भी बहुत सारी चीज ऐसी है जिसमें आग तो नहीं लगती लेकिन केयरफुली यूज करना पड़ता है। तो अब कुछ और ट्राई करते हैं इस कलर फॉग के साथ, होगा क्या हम दोनों की चलेगी बैटल। ये निकला, ये गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो चुका है ऑलरेडी, ये देख लो भाई कलर भी कुछ ऐसे हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल चुका है हम लोगों को, और अब यहाँ पर युद्ध छिड़ेगी। लेकिन ध्यान में रखना है पहले इसको अच्छे से जलने देना है और चेक कर लेना है कि ये रिस्की तो नहीं हो सकता, काफी भरा हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ऊपर तक यहाँ पर कलर ही कलर है, तो इसको एक साथ जलाने के लिए पास में रखें। 1 2 3 4 ये देखो यार मेरे वाले में क्या हुआ, अरे नीचे नहीं करो आग निकल जाएगी आप पता, ओए होए निकला, वो कलर तो सेम ही है, नहीं कलर तो सेम लगभग, वाओ ग्रीन और येलो में आपको फर्क पता था, नहीं पता लेकिन इसका स्मोक कितना है यार गाइस, यहाँ पर चेक कर रहे हो मेरे वाले का स्मोक तगड़ा चल रहा है, मेरे वाले का हम दोनों ही नहीं दिख रहे हैं लेकिन स्मोक बहुत ही जबरदस्त, ये देखो मैं हूँ इस गेम का द वन एंड ओनली विनर, और यहाँ पर हमारा स्मोक जो है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। वो वाला सीन है ना अंबुजा सीमेंट सस्ता ना है सबसे अच्छा, सीरियसली इसकी टाइमिंग कमाल की है, कमाल की चीज लगी, लेकिन मेरे वाला भैया बहुत लंबा चला, मैं हूँ विनर इस गेम शो का, दिखा के अंदर से ग्रीन निकला कलर पे मत जाना भाई कुछ भी हो सकता है, ब्लाइंड है इनको कलर नहीं दिखता। तो गाइस यहाँ चेक कर रहे हो आप लोग हमारे हाथ में क्या है, एक बैटल तो देख लिया आपने कि मैं रहा उसका विनर, और अब हमारा बैटल होने वाला है इसके साथ एक जबरदस्त, दोनों को साथ में आग लाने की कोशिश करते हैं, दोनों जला ले सीधे पीछे कर, पीछे कर इधर कर, वाओ गाइस ये तो भैया पूरी क्रैकलिंग वाली फुलझड़ी है, आओ युद्ध करें भाई, चट चट चट, ये क्या शानदार फ्लाइट है, पकड़ो, ओ वाओ यार ढिंचाक ढिंच, ये बहुत मजेदार चीज है, क्रैकिंग हो रही है फुलझड़ी में से, कभी सोचा नहीं था ये चीज है, वाओ भाई जितनी पास आ रहा है उतना डेंजरस हो रहा है क्योंकि मेरे ऊपर पड़ रही है इसकी चीटें, बहुत मजा आ रहा है, छोड़ू कैसे इसे मैं, ये हे या 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 फुल मजे
डायमेंशन में पहुंच जाओ भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फीलिंग आ गई। ये फुल जड़ियों ने एक नंबर कमाल का मजा दे दिया। तुम जलाओगे, तुम यूज करोगे। ये तो भाग के डर के इसमें से इतने पटाखे निकल रहे हैं भाई, कूल एक नंबर मजा आया मुझे। कपड़े कैसा लगा तुम्हें, कैसा? पहले ये बताओ, कपड़े बाद में देखते हैं। कभी ऐसी फुलझड़ी देखी थी? ओ गॉड, बहुत शानदार। और मेरा ये भयंकर वाला डांस तुम लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना, बता देना। डांस आता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कूद काद लेता हूं मैं, लेकिन ये फुलझड़ी ने मेरा दिल खुश कर दिया भाइयों, बहुत अमेजिंग। तो अब मेरे हाथ में ये क्रैकलिंग कोकोनट भाई डांस। कैमरामैन अभी तक मेरे पे हंस रही है, मेरा डांस देख के झंड हो रही है अपनी। तो तुम लोग सपोर्ट करना कमेंट करके। अब क्रैकलिंग कोकोनट को फूकते हैं। गाइज, ये क्रैकलिंग कोकोनट था क्या भाई, चारों तरफ चिंगारियां ही चिंगारियां, एक नंबर अद्भुत सा नजारा बना दिया इसने। और इसकी टाइमिंग भाई साहब कमाल, एक नंबर चीज। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि अगरबत्ती जला के मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोगों ने की भी होगी, ये है गन की मिसाइल। लेकिन अभी क्या है, अपने गन के अंदर जो मसाला होता है ना, वो खत्म हो चुका है। बड़े शौक से गन लेके आए थे, लेकिन उसके मसाले फुसड़ निकले। तो अब इसको जलाएंगे हम इस देसी तरीके से। तो थोड़ा सा गैप बना लेते हैं कैमरा से और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। एक दो तीन, जैकेट गई गई। तो देख लो गाइस, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओ भाई, ची ची की आवाज आ रही है भाई, मजा बड़ा आ रहा है। कुछ भी को ये है वैसे खतरनाक चीज, देखते हैं एक बार और। भाई हिल बहुत रहा है ये, वाह पता नहीं कहाँ गया, बड़ी मजेदार चीज है ये, देखो। ओ, कैमरे में कैच ही नहीं। तो अब ये बीड़ी बम उठा लिया मैंने, और थोड़े से बीड़ी बम को भी फूंक के देखते हैं। बीड़ी पी लो। बीड़ी कैसे पी लो, इसको पीने के बाद ना मुंह ही फट जाएगा। तो इनको ना चार पांच को इकट्ठे आग लगा के फूंक के देखते हैं कि फटता है, नजारे आते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ पर चलो कमाल की चीज कोई बनाते हैं, ग्रुपिज्म तैयार करते हैं इनका। कमाल का है ये भाई, बीड़ी उनकी खास बात लगती है। पहले तो इसको ना तुम जला के, ये मैं तो डराने वाला बम है, किसी को डराना हो तुम्हें उसके पास जला के फटाफट टैंक में माचिस है। अभी तो ये थोड़ा सा खा 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 रहा है, क्योंकि इतने सारे को एक साथ में माचिस से माचिस में रगड़ के जला भी नहीं सकता हूं। हैं तो अब देखो, बीड़ी बम को ना अभी तो मैंने लाइटर से जलाया था, तो क्या हुआ, दो फटे और बाकी इधर उधर उड़ गए। लेकिन अब ना इसी के साथ जो ये मैच बॉक्स आता है, इधर इधर रगड़ के जला के देखते हैं कि क्या काम करता है ये। वाओ, देखो कितना सही है यार, माचिस की तरह आग लगाओ, धुआं निकले, किसी को पता ही नहीं है कि ये फटने वाला है। और ओ भाई साहब, इतनी चिद्दी सी आइटम में इतना तेज धमाका, अलग ही है। मतलब कान के पर्दे हिला से दिए थोड़े इसने। हाथ देखो, ये हाथ मजदूर नहीं, ऐसे नहीं, इसको बोलना है कैसे, ये मजदूर का हाथ है गातिया। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलता है। मैंने रेनबोज जलाए और रेनबोज को अपने हाथों में मल मल के मैंने ये कलर पाया है। अब अपने हाथ में है इस तरीके के ग्राउंड चक्कर, कुछ ये है प्लास्टिक बेस वाले और कुछ कागज के बेस वाले। कागज के बेस वाले तो साले मेरी छत पे जलते ही नहीं ढंग से, लेकिन प्लास्टिक वाले तो कमाल करेंगे। तो पहले कागज फूकते हैं, फिर प्लास्टिक फूकते हैं। दोनों को आपस में मैंने देखो क्या कर दिया, वो घूम गए आज। जल्दी आ गैस वाला, जल्दी आ गैस वाला, जल्दी आ गैस वाला, गैस वाला, गैस खत्म हो गई, गैस गैस खत्म। अब है अपने हाथ में प्लास्टिक बेस वाला चक्कर, और मुझे उम्मीद है कि ये खतरनाक घूमेगा और तुम्हारे भाई का डांस अंदर से फटाफट खतरनाक वाला निकलेगा। अगर ये घूमा तो मैं भी मून वॉक करेगा। शिट भाई, ये ग्राउंड चक्कर डेंजरस चीज थी, फट गया। अबे मेरे पीछे ही पड़ गया ये तो। जिधर जा रहा हूं उधर ही आ रहा है। अरे भाई बच के रहना पड़ेगा इससे, बहुत भयंकर चीज है। वैसे लग कितना ब्यूटीफुल रहा है, पास से आके दिखाओ थोड़ा सा। वाओ टाइमिंग है इसकी भाई साहब। तो गाइस अभी आपने देखा एक चक्कर कितना जबरदस्त घुमा, इसकी टाइमिंग सो गुड, तो बहुत कमाल का था, इतनी जबरदस्त। लेकिन पहले वाले ने धोखा दे दिया, मैं गया था जल्दी या गैस वाला स्टेप करने और भाई वो फट गया। एक्चुअल में उसके फटने की वजह से मेरी भी,
पर क्या करें क्या पता कि चक्कर भी पड़ सकते हैं। और इतनी बुरी तरह इतना जबरदस्त धमाका, भाई साहब कमाल, नेक्स्ट लेवल। तो इसी बात पे थोड़े थोड़े डर के साथ जो दिल में धड़कने तेज हो रही है ना, बुबलू बुबलू हो रहा है। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो फटाफट चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। भाई का डांस कैसा लगा ये बता देना कमेंट करके। यो थैंक यू। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।